कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSE पाठशाला में। CGPSE पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स पर। नवंबर महीने करंट अफेयर में बताने के लिए ज़्यादा फैक्ट नहीं है। पूरा का पूरा जो नवंबर का महीना है ये छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में चला गया। विधानसभा चुनाव होने वाले थे जिसके कारण आचार संहिता लागू था। आचार संहिता लागू होने से सरकार न तो कोई नई घोषणाएं कर सकती थी और न ही कोई नई योजनाएं ला सकती थी। तो इस नवंबर महीने करंट अफेयर पर हमारा मेन फोकस रहेगा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर। जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ छत्तीसगढ़ में, उससे जुड़े हुए किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर नवंबर 2023। CGPSE ई पाठशाला के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी CGPSE प्री 2023 का टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो CGPSE ई पाठशाला के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। CGPSE ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2023-24 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट इसे लेना चाहते हैं वे जल्द से जल्द इसे ले लीजिए। मार्केट से यह पुस्तक बहुत जल्द ही आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। हमने भी इसकी प्रिंटिंग अब बंद कर दी है। मार्केट में हमारे तरफ से लास्ट स्टॉक जा चुका है। तो जो भी स्टूडेंट इस बुक को लेना चाहते हैं वे जल्दी से जल्दी इसे ले लीजिए। बहुत से स्टूडेंट का यह क्वेश्चन रहता है कि ये जो CGPSE प्री का एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी 2024 को, उसमें कौन से साल का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है। आपको यही आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का पढ़ना है। इस पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो भी पुस्तक फॉलो करते हो या गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे क्यों ना फॉलो करते हो, आपको 2022-23 के ही आंकड़े पढ़ने हैं। क्योंकि नया आर्थिक सर्वेक्षण आएगा मार्च 2024 में। आपका पेपर होने वाला है फरवरी 2024 में। 11 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम हो जाएगा प्री का। तो आपके लिए 2022-23 के ही आंकड़े इंपॉर्टेंट है। तो जो भी जिन्हें भी ये पुस्तक लेना है जल्द से जल्द मार्केट में जाकर के ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी प्रिंटिंग अब बंद कर दी है। ठीक है, इस पुस्तक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे बुक डिपो के नाम, शहरों के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जाकर के इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSE ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। इसी महीने के एंड में हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का मैगजीन भी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी हमारे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, नेता प्रतिपक्ष कौन होने वाले हैं, इस पर अभी थोड़ा सा विचार बाकी है। जैसे ये फाइनल हो जाएगा तो करंट अफेयर भी हमारा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023। हमारे छत्तीसगढ़ में दो चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। सबसे पहले 20 सीटों पर वोटिंग हुआ पहले चरण में, दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग हुआ। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब तक? आगामी 2-3 महीनों में होने वाले एग्जाम तक। ठीक है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक के एग्जाम के लिए आपके लिए ये सारे डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये डेट आपके लिए वर्थ इट नहीं है। ठीक है, क्योंकि कथन आधारित स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव हुआ। टोटल 90 विधानसभा सीट है। 90 में से 20 सीट पर प्रथम चरण में चुनाव हुआ और 70 सीट पर द्वितीय चरण में चुनाव हुआ। दो चरणों में क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका 20 सीट है प्रथम चरण में, जो 20 सीट पर जो चुनाव हुए ये संवेदनशील क्षेत्र थे, जहां पर नक्सलाइट घटनाक्रम ज्यादा होते हैं, दुर्गम क्षेत्र है। तो उन 20 सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव हुआ और बाकी बचे हुए 70 सीटों पर जो है आपके 20 सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव हुआ और 70 सीटों पर जो है द्वितीय चरण में चुनाव हुआ। प्रथम चरण के चुनाव हुए 7 नवंबर को आपके मतदान हुए और द्वितीय चरण के मतदान हुए आपके 17 नवंबर को। 7 नवंबर 17 नवंबर। देखिए, प्रथम चरण में 20 सीटों की वोटिंग हुई, नामांकन की तारीख थी 13 अक्टूबर, नामांकन की आखिरी तारीख थी एक सप्ताह बाद 20 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच हुई एक दिन बाद 21 अक्टूबर, नाम वापसी की तारीख थी 23 अक्टूबर, मतदान हुआ 7 नवंबर और परिणाम जारी हुआ आपका 3 दिसंबर 2023 को। द्वितीय चरण में 70 सीटों पर वोटिंग हुआ, इसमें जो है नामांकन की तारीख शुरू हुई 21 अक्टूबर, आपका नामांकन की आखिरी तारीख थी आपकी 30 अक्टूबर 2023,
उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर, नाम वापसी की आखिरी तारीख 2 नवंबर, मतदान हुआ 17 नवंबर और परिणाम जारी हुआ आपका 3 दिसंबर 2023 को। तो इस डेट को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, जो 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हुए उसमें हमारे छत्तीसगढ़ में कुल मतदाता थे 2,03,60,240। ये छत्तीसगढ़ में कुल मतदाता थे, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या थी 1,01,20,830, महिला मतदाताओं की संख्या थी 1,02,39,410। तो दोनों को टोटल करेंगे, पुरुष और महिला को, तो आएगा 2,03,60,240 मतदाता। इनमें से दिव्यांग हैंडीकेप मतदाता थे 1,60,955, जबकि थर्ड जेंडर तृतीय लिंग थे 790। जो 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके कंपैरिजन में देखिए, संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद राज्य में 7,19,825 मतदाता बढ़े हैं, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव के कंपैरिजन में 2023 के विधानसभा चुनाव में 7,19,825 मतदाता बढ़े हैं, ठीक है। अगर हम सीटों को देखें, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है किस वर्ग के लिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा सीट में, विधानसभा में टोटल 90 सीट है, ठीक है, कुल सीटों की संख्या कितनी है 90 सीट। इस 90 सीट में से 51 सीट जो है ये अनारक्षित है, अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड, ठीक है, अनारक्षित है, जबकि 10 सीटें अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, और 29 सीटें जो है ये अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है, 51 सीटें अनारक्षित अनरिजर्व्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ध्यान समझना। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित पूछा जाए, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, तो 10 सीटें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पूछा जाए, तो 29 सीटें। प्रश्न पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित है। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इसमें ना ही शेड्यूल्ड कास्ट बोल रहा है ना ही शेड्यूल्ड ट्राइब बोल रहा है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित है। तो आप ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 29 + 10 = 39, टोटल 39 सीटें आरक्षित है। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बोला तो 10 सीट, जनजाति वर्ग के लिए बोला 29 सीट, लेकिन कुल कितनी सीटें आरक्षित है पूछेगा, तो 39 सीटें आरक्षित है, दोनों को टोटल कर देना है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव मास्कोट यानी कि शुभंकर। जो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हुआ इसका एक शुभंकर भी नियुक्त किया गया था, इसे नियुक्त किया गया, उसमें वर्डिंग ही यूज था, नियुक्त किया गया यानी कि बनाया गया था। यह था आपका एक चिड़िया, नीले रंग की एक चिड़िया जिसे नाम दिया गया था चुनई चिरई, चुनई, चुनई का मतलब चुनाव, चिरई का मतलब चिड़िया, एक नीले रंग की चिड़िया थी जिसे शुभंकर बनाया गया था छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का शुभंकर बनाया गया था एक वन भैंसे को, एक चिड़िया को, ठीक है, एक वृक्ष को, ऐसे अलग अलग ऑप्शन देगा, तो याद रखना एक चिड़िया को बनाया गया था और उसे नाम दिया गया था चुनई चिरई, ठीक, नीले रंग की एक चिड़िया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जो 2023 हुआ इसमें मतदान के आंकड़े क्या रहे, यानी कि किस विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा मतदान हुए, किस विधानसभा सीट में सबसे कम मतदान हुए, ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव हुआ। प्रथम चरण, प्रथम चरण यानी कि टोटल आपके जो 20 सीटों पे जो चुनाव हुए, प्रथम चरण में 76.47% मतदान हुआ, ठीक है, 76.47 76.47%। द्वितीय चरण यानी कि 90 सीटों पर, सॉरी द्वितीय चरण यानी कि 70 सीटों पर जो है 75.88% 75.88% मतदान हुआ। देखिए बहुत से स्टूडेंट की शिकायत रहती है कि बोर्ड पर क्या लिखा है यह नज़र ही नहीं आता, तो उन सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने YouTube के वीडियो क्वालिटी को 720p पर सेट कर लीजिए,
ठीक है, सेटिंग वाले ऑप्शन में जा करके, एडवांस सेटिंग में जा करके अपने वीडियो की क्वालिटी को 720 पिक्सल पे कीजिएगा, तब जा करके चीज़ें क्लियर नज़र आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरे पास भी एक स्पेस होता है, उसमें उस लिमिटेड स्पेस में मेरे को बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है। अगर कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जा करके आप अपने यूट्यूब के वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे कर लीजिए। कई लोगों में ऑटोमेटिक आपका जो है ऑप्शन रहता है, डाटा सेवर मोड ऑन रहता है, तो आपके 144p 240p 420p तक में चलता है, उसको आप जो है 720 पिक्सल तक पे सेट कर लीजिए, बहुत अच्छे से नज़र आएगा। ठीक, तो प्रथम चरण 20 सीटों पर जो है 76.47%, द्वितीय चरण में जो है आपके 75.88% हुआ। अगर कुल मतदान की बात किया जाए, कुल मतदान यानी कि टोटल 90 सीटों पर ओवरऑल प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों को मिला करके छत्तीसगढ़ में 76.31% इस बार वोट पड़े हैं। ठीक है, सर्वाधिक सर्वाधिक जो आपके वोट पड़े वो हुआ है आपके कुरुद विधानसभा सीट पर, 90.15% मतदान हुए यहाँ पर। दूसरे नंबर पर है सिहावा, 87.64%, 87.64%, और थर्ड नंबर पर है खरसिया, जहाँ पर 86.67%, 86.67% यहाँ पर मतदान हुए। जबकि न्यूनतम मतदान की बात किया जाए तो बीजापुर में 48.37% सबसे कम मतदान हुआ। सेकेंड लोएस्ट था आपका रायपुर नगर उत्तर, 55.59%, और थर्ड लोएस्ट था आपका रायपुर नगर पश्चिम, 55.94%। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, प्रथम चरण 20 सीटों पर 76.47%, द्वितीय चरण 70 सीटों पर 75.88%, कुल मतदान प्रथम प्लस द्वितीय चरण पर 76.31%, सर्वाधिक मतदान कुरुद विधानसभा सीट पर, सबसे कम मतदान हुआ आपका बीजापुर विधानसभा सीट पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विधानसभा चुनाव परिणाम, जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसका चुनाव परिणाम क्या था। 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में जो टोटल 90 विधानसभा सीट थी, उस 90 विधानसभा सीट में से 54 सीट आपके बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने जीता, जो आपका 35 सीट है वो कांग्रेस ने, और एक सीट जो है ये क्षेत्रीय दल GPP गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जीता है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। और कौन से विधानसभा जो सीट है वो जीता पूछा जाए तो पाली, पाली कहां पर है आपके कोरबा, कोरबा जिले के अंतर्गत आता है पाली, पाली विधानसभा सीट एकमात्र क्षेत्रीय दल जिसने विधानसभा चुनाव में एक सीट जीता है, पाली विधानसभा सीट पर विजयी पाया है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने। अगर हम विधानसभा चुनाव 2023 की बात किया जाए, जिसमें राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल की बात की जाए, तो राष्ट्रीय दल में देखिए, राष्ट्रीय दल में यहां पर जो है आपका भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल, कांग्रेस राष्ट्रीय दल, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल, बसपा बहुजन समाज पार्टी ये भी एक प्रकार से राष्ट्रीय दल, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे अजीत जोगी जी की पार्टी क्षेत्रीय दल थी, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी एक क्षेत्रीय दल था, और GPP गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक क्षेत्रीय दल। ठीक है, इसी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक सीट जीता है पाली विधानसभा सीट से। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव 2018 की, 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, BSP बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे अजीत जोगी जी की पार्टी, इन्होंने सीट जीता था। कांग्रेस ने आपके 68 सीट जीते थे, बीजेपी ने 15 सीट। ठीक है, बीजेपी जो थी उसने मात्र 15 सीट पिछले विधानसभा चुनाव में जीते थे, 5 सीट जीता था जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने, और बहुजन समाज पार्टी ने जीता था 2 सीट। इस साल जो है इस बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने एक भी सीट नहीं जीता है। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी ने भी नहीं जीता है, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने भी नहीं जीता है, टोटल 3 पार्टी बीजेपी कांग्रेस और जीजीपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ठीक, देखिए ये इतना डिटेल में बताने का कारण क्या है कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कौन कौन से राजनीतिक दल ने सीट जीता था और इस बार कौन से राजनीतिक दल नहीं है। तो याद रखिएगा, पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे, इन्होंने सीट जीता था। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की 5 सीट थी और बहुजन समाज पार्टी की जो है 2 सीट थी विधानसभा 2018 में। ठीक,
अभी वर्तमान में बीजेपी, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इन्होंने सीट जीता है। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ओवरऑल छत्तीसगढ़ का नक्शा है, टोटल 90 विधानसभा सीटों में बटा हुआ है। ये जो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का आपके कांग्रेस की सीटें है, ऑरेंज कलर की बीजेपी की सीटें है, और ये जो आपका पर्पल कलर दिख रहा है, बैगनी कलर, ये है आपका पाली विधानसभा सीट जिसे जीता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस साल काफ़ी हाईलाइट में रहेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अगर हम बात करें टोटल 90 विधानसभा सीट में से सबसे बड़ी जीत किसने हासिल करी, तो वो है आपके बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट। अगर जीत का अंतर देखा जाए तो उन्होंने अपने ऑपोजिशन पार्टी के जो थे महंत राम सुंदर दास, उससे 67,851 के अंतर से इन्होंने जीता है। ये इनकी सबसे बड़ी जीत थी, इस आंकड़े के साथ ये सबसे बड़ी जीत है। जबकि सबसे कम अंतर से जीता है आशाराम नेताम, जो कि भारतीय जनता पार्टी कांकेर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, मात्र 16 वोट के अंतर से ये जीते हैं। सबसे बड़ी जीत बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट, सबसे छोटी जीत आशाराम नेताम बीजेपी कैंडिडेट कांकेर विधानसभा सीट, मात्र 16 वोटों के अंतर से जीते हैं। और ये है आपके तुलेश्वर सिंह मरकाम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जो एक सीट जीता है उसमें विधायक कौन है, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, जो कि विधानसभा क्षेत्र पाली तानाखार से विजयी हुए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर बात हो रही है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इस पार्टी का गठन हुआ था 13 जनवरी 1991 को, ठीक है। इसके संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम इसके संस्थापक थे। इसका मुख्यालय यह है आपका तीव्रता गांव कटघोरा कोरबा जिले में, और वर्तमान में इसका नेतृत्व कर रहे हैं इस पार्टी का यही तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। ये इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो कि उत्तर छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में काफी एक्टिव है, हमारे प्रदेश का एकमात्र मैरिन फॉसिल पार्क जिसका नाम गोंडवाना मैरिन फॉसिल पार्क किया गया इसी पार्टी के विरोध के कारण, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कारण। अभी जो मैरिन फॉसिल पार्क है उसका नाम क्या है, गोंडवाना मैरिन फॉसिल पार्क, क्योंकि वो क्षेत्र पूरा का पूरा गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक। चलिए, ये जो आपका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है ना, इसे इंटरव्यू में क्वेश्चन शायद पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें महिला प्रत्याशी कितने सीट पर महिला प्रत्याशी जो है ये विधायक बनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर महिला प्रत्याशियों की सूची है। छत्तीसगढ़ में टोटल आपके 90 विधानसभा सीट है, इस 90 विधानसभा सीट में से 19 सीट पर महिला विधायक है, इंपॉर्टेंट है, महिला विधायक 19 सीट पर है। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, प्रश्न दे देगा आपको निम्नलिखित में से किस एक विधानसभा सीट पर महिला विधायक का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उसमें से तीन ऑप्शन दे देगा इसमें से, और एक ऑप्शन कोई दूसरा दे देगा जिसमें पुरुष विधायक होगा। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के टोटल 90 विधानसभा सीट में से 19 सीट पर महिला विधायक है। अब कौन कौन सा सीट है, भरतपुर सोनहत जिसमें रेणुका सिंह है बीजेपी से,
सामरी जो विधानसभा सीट है उसमें उद्देश्वरी पैकरा बीजेपी, जसपुर सीट पर है रायमुनी भगत बीजेपी, पत्थलगांव सीट पर है गोमती साय बीजेपी, कोंडागांव सीट पर है लता उसेंडी बीजेपी, भटगांव सीट पर है लक्ष्मी रजवाड़े बीजेपी, प्रतापपुर विधानसभा सीट पर है शकुंतला सिंह पोर्ते बीजेपी, आपके पंडरिया विधानसभा सीट पर है भावना बोहरा बीजेपी, सिहावा विधानसभा सीट पर है अंबिका मरकाम कांग्रेस, सारंगढ़ विधानसभा सीट पर है उत्तरी जांगड़े कांग्रेस, सरायपाली विधानसभा सीट पर है चातुरी नंद कांग्रेस, बिलाईगढ़ विधानसभा सीट पर है कविता प्राण लहरे कांग्रेस, लेलुंगा विधानसभा सीट पर है आपके विद्यावती सीदार कांग्रेस, बालोद विधानसभा सीट पर है संगीता सिन्हा कांग्रेस, डोंडी लोहारा विधानसभा सीट पर है अनिला भेड़िया कांग्रेस, भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर है सावित्री मंडावी कांग्रेस, खैरागढ़ विधानसभा सीट पर है यशोदा वर्मा कांग्रेस, डोंगरगढ़ विधानसभा सीट पर है आपके हर्षिता बघेल कांग्रेस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 18 है, एक मिसिंग है, ठीक है। बहुत से ग्रुप में जो है यही वाला एक आपका फोटो सर्कुलेट हो रहा था, इसलिए मैंने इसे भी रेफरेंस बनाया। इसमें केवल 18 महिला विधायकों का नाम शामिल है, एक मिसिंग है, कौन सा? पामगढ़ विधानसभा सीट पर है श्रीमती शेष, पूरा नाम है इनका शेष राज हरवंश। ठीक है, तो ये 18+1 19, टोटल 19 विधानसभा सीट पर जो है महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व है। अगर हम बात करें 2018 विधानसभा चुनाव, 2018 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में टोटल 16 स्टार्टिंग में जो है टोटल 13 जब चुनाव हुआ आपका 2018 में, तब छत्तीसगढ़ में 90 में से 13 सीटों पर महिला विधायक थी, महिला विधायक, ठीक है। बाद में ये संख्या बढ़ करके 2023 तक हो गया था 16, ठीक है। कैसे कैसे, जो आपके 3 सीट पर उपचुनाव, बहुत सी सीटों पर उपचुनाव हुए लेकिन 3 सीट पर महिला विधायक जीती, भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, तो ये 13 से बढ़कर आंकड़ा हो गया था 16। इस बार इस 16 से बढ़कर के आंकड़े ज़्यादा हो गए हैं 19, ठीक है। हमारे विधानसभा में 19 महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और फैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र या मतदान केंद्र था वो था सेराडान, ठीक है। सबसे छोटा मतदान केंद्र ये कौन सा था पूछा जाए तो ये था आपका सेराडांड, ठीक है। ये जो सेराडांड है ये भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। हमारे प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र जहां पर मतदाताओं की कुल संख्या थी 5, इस 5 में से 30 जो है ये आपके पुरुष थे जबकि 2 महिला थी, ठीक है। मुश्किल से 4 से 5 मिनट में ही पूरा का पूरा वोटिंग यहां पर कंप्लीट, 100% वोटिंग कंप्लीट हो गया था, ठीक। एक फैक्ट और याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर उत्तर, ये जो सीट था, ठीक है, रायपुर उत्तर शहरी, इसको ऐसे कर लीजिएगा, रायपुर उत्तर शहरी, ये जो सीट था, इस विधानसभा क्षेत्र में टोटल 201 संगवारी मतदान केंद्र थे, 201 संगवारी मतदान केंद्र, जिसका प्रबंधन महिलाओं के द्वारा किया गया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी एक पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रबंधन यानी कि पीठासीन अधिकारी से लेकर के मतदान अधिकारी तक सारा प्रबंधन महिलाओं के द्वारा संभाला गया था, ठीक है। संगवारी मतदान केंद्र क्या होता है, ऐसा जो महिलाओं के लिए होता है, ठीक है। पहले इसको जो है पिंक बूथ नाम दिया गया था, लेकिन पिंक बूथ के नाम जो है ये इसे लेकर काफी ऑब्जेक्शन हुआ, जिसके बाद इसका नाम चेंज करके कर दिया गया संगवारी मतदान केंद्र, ठीक है। देखिए हमारे प्रदेश में टोटल 90 विधानसभा सीट है,
90 विधानसभा सीट में से प्रत्येक सीट पर 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए। तो टोटल 90 सीट यानी कि कितने, छत्तीसगढ़ के टोटल 90 सीट में कुल कितने संगवारी मतदान केंद्र थे पूछा जाए तो 900 संगवारी मतदान केंद्र थे, इसे भी याद रखना। प्रत्येक सीट पर 10 संगवारी मतदान केंद्र, टोटल 90 सीट है तो 90 × 10 कितना हो गया, 900 आपके संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे 90 विधानसभा सीटों पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए सारे फैक्ट खत्म होते हैं, अब कुछ अन्य करंट अफेयर के टॉपिक पर भी हम चर्चा करते हैं। महानदी में मिली नई प्रजाति की मछली, महानदी हमारे छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होते हुए ये इंटर करती है उड़ीसा में, उड़ीसा से होते हुए बंगाली खाड़ी में जाकर के विसर्जित होती है। तो महानदी में उड़ीसा वाले क्षेत्र में यानी कि उड़ीसा राज्य में इस महानदी में मिला है एक मछली जिसे नाम दिया गया है अवॉस मोटला, जो कि मीठे पानी की मछली की एक प्रजाति है, मीठे पानी की मछली की एक प्रजाति, इसे खोजा गया है बेरहामपुर विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग और गोपालपुर की भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा शुरू की गई एक परियोजना के दौरान इसकी खोज की गई है। वैसे तो ये जो मछली है वो उड़ीसा के बाजार में इस ये मछली को जो मछुआरे जो है बेचते ही है, लेकिन पहली बार जब सर्वेक्षण किया गया तो ये जो है मछली की एक नई प्रजाति पाई गई इसे, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहली बार पाया गया, वहाँ के बाजार में ये मछली बिकता है, लेकिन सर्वेक्षण में पाया गया कि ये मछली की एक नई प्रजाति है। नई प्रजाति का जो विवरण है ये जनरल ऑफ फिश बायोलॉजी के ऑनलाइन संस्करण में भी इसे प्रकाशित किया गया है। सोनपुर क्षेत्र में मछुआरे मछली को जो है मोटला नाम रखा है, जो मछुआरे जो है इस मछली को मोटला नाम करके बुलाते हैं, और यह प्रजाति अवॉस प्रजाति की मछली है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है अवॉस मोटला मछली। मछुआरे जिस नाम से पुकारते हैं उसका मोटला, ये जो है अवॉस प्रजाति की है तो इसे नाम दे दिया गया है अवॉस मोटला मछली, ठीक है, इसका पूरा नाम, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो 2023। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर जो है 10वां संस्करण या 10वां सीजन था इंडियाज़ गॉट टैलेंट का, इसमें विजेता विनर रही अबुजमाड़ मलखम और खेल अकादमी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले से संबंधित है, ठीक है, इन्हें जो है प्रतिष्ठित ट्रॉफी मिली है इंडियाज़ गॉट टैलेंट की, 20 लाख रुपए की नगद पुरस्कार मिला है और मारुति सुजुकी आर्टिगा एक कार भी इन्हें मिला है, ठीक है। तो ये जो अबुजमाड़ मलखम्ब और खेल एकेडमी जो है ये छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से इनका संबंध है, जिन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट का 10वां सीजन जीता है, इसका इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कौन बनेगा करोड़पति KBC जूनियर। इस कौन बनेगा करोड़पति के 15वें सीजन में, ठीक है, जो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर आता है कौन बनेगा करोड़पति, उसके 15वें सीजन में जूनियर यानी कि छोटे बच्चों को जब बुलाया गया था तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर के एक बच्चे ने भी इस KBC में पार्टिसिपेट किया था, जिसका नाम था विराट अय्यर, 8 साल, भिलाई से ये संबंधित है। ये मात्र 3 लाख रुपए की राशि जीते, एक्चुअली में ये जीतते जीतते 1 करोड़ के सवाल तक पहुंच गए थे। 1 करोड़ के सवाल का गलत जवाब दिए जाने के बाद ये सीधा गिरकर पहुंच गए 3,20,000 रुपए की राशि में, ठीक है। इन्होंने जो है 1 करोड़ की सवाल का जवाब देने का प्रयास किया लेकिन उत्तर हो गया गलत, ठीक। जैसे ये जो है विराट KBC जूनियर का अब तक का सबसे छोटा प्रतिभागी था। इस शो में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 7 करोड़ रुपए तक जीत सकता है। विराट अय्यर 1 करोड़ रुपए जीतने से चूक गए। 1 करोड़ का जो सवाल इनसे पूछा गया था, रसायन के पीरियोडिक टेबल में परमाणु संख्या 96 एवं 109 वाले दो तत्वों के नामकरण में क्या यूनिक है, ठीक है, ये सवाल था। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री में, जो पीरियोडिक टेबल रहता है उसे परमाणु संख्या 96 और 109 वाले दो तत्व के नामकरण में क्या कॉमन है। नोबल पुरस्कार विजेताओं के नाम, महिला वैज्ञानिकों के नाम, भारतीय वैज्ञानिकों के नाम या उनके कोई भी नाम नहीं है।
तो इसमें जो 96 है ना, ये आपके महिला 96 और 109, ये जो दो नंबर के जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो आपके परमाणु संख्या है, ये महिलाओं के नाम पर रखा गया है, याद है मैडम क्यूरी, उनके नाम पर रखा गया है ये 96। वैसे ही 109 वाले का मेरे को अभी पता नहीं है, लेकिन 96 जो है आपके क्यूरी, रेडियम, मैडम क्यूरी के नाम पर इसे रखा गया है। तो महिला वैज्ञानिकों के नाम पर इनका नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023। 37वां राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन हो रहा है आपके गोवा में, आयोजन हुआ, आयोजन हो चुका है गोवा में, इसका आयोजन हुआ 26 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर 2023 तक। इस 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर बनाया गया था मोंगा, मोंगा जो कि एक भारतीय बाइसन है, ठीक है। ये जो बाइसन है एक प्रकार का भैंसा ही से बोल सकते हैं, बाइसन जो कि शुभंकर था, जिसे नाम दिया गया था मोंगा। इस 37वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स में टोटल 43 खेलों को शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ से कुल 227 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। अगर रैंकिंग देखा जाए, मेडल की जो टैली है उसे देखा जाए, तो पद तालिका में जो है आपके महाराष्ट्र 228 पदकों के साथ, यानी कि मेडल्स के साथ पहले पोजीशन पर रहा। सेकंड नंबर पर रहे आपके सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, और थर्ड नंबर पर रहा आपका हरियाणा, हरियाणा 192 के साथ थर्ड पोजीशन पर रहा। अगर हम हमारे छत्तीसगढ़ की रैंकिंग की बात करें तो छत्तीसगढ़ 20 पदक के साथ अंक तालिका में 28वें स्थान पर था। 37वें राष्ट्रीय खेलों में नए खेल की शुरुआत इसमें की गई, नए खेलों को शामिल किया गया, जिनमें से फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, स्पेक्ट्रो, स्क्वे मार्शल आर्ट, कलियारा पट्टू, पेनकन, सिलॉट शामिल है, याद रख लेना, बड़े उठपटांग से नाम है, मेरे से खुद बोल करके नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो शामिल, ये जो आपका नया खेल शामिल किया गया है, इस नए खेल में हमारे छत्तीसगढ़ ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है, ठीक है। देखिए कौन सा है, ये है छत्तीसगढ़ ने जो आपके पदक जीते हैं, एक है भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग जिसमें स्वर्ण पदक जीता है, बैडमिंटन जिसमें एक स्वर्ण, जिसमें एक ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। अगर आप देखेंगे भारोत्तोलन, हमारे छत्तीसगढ़ की स्टार प्लेयर कौन है वेटलिफ्टिंग में, ज्ञानेश्वरी यादव, जिसने गोल्ड मेडल जीता है। बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल, हमारे छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन की स्टार प्लेयर कौन है, आकर्षि कश्यप, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बाकी में भी आपके पदक जीते गए हैं, एक रजत पदक जीता गया है तलवारबाजी में, और एक रजत पदक जीता गया है कलारी पयाट्टू में, ठीक है। ये जो कलारी पयाट्टू है ये केरल का मार्शल आर्ट है, ठीक है। इसमें जो है हमारे छत्तीसगढ़ ने सबसे ज़्यादा 10 पदक जीता है। टोटल पदक की संख्या कितनी है, स्वर्ण पदक 2 जीते गए हैं, एक है आपके भारोत्तोलन और एक है आपके कलारिया पट्टू यानी कि केरल का मार्शल आर्ट। 2 रजत पदक जीता गया है, एक तलवारबाजी में और एक आपके कलारी पयाट्टू में, ठीक है। और बाकी आपके 16 पदक जीते गए हैं कांस्य पदक, इंपॉर्टेंट है इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हुड़का हुड़की नृत्य, मांदर बजा करके कलेक्टर बोले वोट जरूर डालें। अब देखिए, अब कलेक्टर क्या बोल रहे हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हुड़का हुड़की नृत्य। हुड़का हुड़की नृत्य जो है ये आपके, देखिए कोटा ब्लॉक में बैगा आदिवासियों के बीच, ये जो है बैगा जनजाति का एक नृत्य है हुड़का हुड़की नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हुड़का हुड़की नृत्य का जो संबंध है ये बैगा आदिवासी या बैगा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है नरसिंह गंगा गुफा, नरसिंह गंगा गुफा के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखिए नरसिंह गंगा गुफा जो है ये कोरबा जिले के चैतमा में ये गुफा स्थित है, कोरबा जिले के पलमा पहाड़ी में, ठीक है। वहाँ पर एक पहाड़ी है पलमा पहाड़ी में ये गुफा है जिसका नाम है नरसिंह गंगा गुफा, भगवान नरसिंह की गुफा है। यहाँ पर एक झरना है जिसका नाम है नरसिंह गंगा झरना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला भरा, ठीक है। अभी हाल ही में जो है आपके कार्तिक पूर्णिमा का आया था, जिस समय यहाँ पर मेला भरा था। यहाँ पर जो है कार्तिक पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा दो बार यहाँ पर मेला भरता है। मान्यता है कि पलमा या पलामू पहाड़ की एक विशाल चट्टान की गुफा में भगवान नरसिंह का वास है। अन्य पर्यटन, नरसिंह गंगा गुफा के समीप यहाँ पर एक पलमाइनदाई और भगवान शिव का मंदिर भी स्थापित है। यहाँ पर एक झरना है जहाँ पर मान्यता है कि जो स्वच्छ मन से जाता है उसके ऊपर झरने का पानी गिरता है, और जिसके मन में अगर किसी प्रकार का पाप है तो उस पर झरने का पानी नहीं गिरता, ऐसे यहाँ पर स्थानीय मान्यता भी है, ठीक है, जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला भरा। नेक्स्ट देखिए, अगर मेला की बात हो रही तो एक मेला और याद रख लेना, मोहारा मेला। ये जो मोहारा मेला है ये राजनांदगांव जिले में है हुआ, ठीक है।
राजनांदगांव जिले से संबंधित है। राजनांदगांव जिले में शिवनाथ नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह मेला भरता है और यह राजनांदगांव का सबसे बड़ा मेला, इसे भी याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रबर की खेती। हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रबर की खेती की जाएगी केरल के तर्ज पर। आपके रबर के खेती में अग्रणी राज्य है आपका केरल, तो केरल के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रबर की खेती की जाएगी। ये जो बस्तर जिला है ये भारतीय रबर मिशन में छत्तीसगढ़ से बस्तर जिले को शामिल किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय रबर मिशन में हमारे छत्तीसगढ़ के किस एक जिले को शामिल किया गया है, तो बस्तर जिले को शामिल किया गया है। इसके लिए अनुबंध हुआ है रबर अनुसंधान संस्था कोट्टायम और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मध्य एक समझौता हुआ है। विशेष, बस्तर छत्तीसगढ़ का पहला जिला है जहां पर रबर की खेती की जाएगी। ये ऐसे जो है आपके वृक्ष रहते हैं जिसमें कट लगा करके रबर का दूध निकाला जाता है, ठीक है, यानी कि वृक्ष से निकलने वाले दूध। देखिए, रबर राष्ट्रीय रबर मिशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रबर की पूर्ति करके रबर मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत 2026 तक भारत में 5 लाख हेक्टेयर पर रबड़ का प्लांटेशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रायोगिक तौर पर 2 एकड़ में रबड़ की खेती की जाएगी। रबड़ के पेड़ के तने को छील करके उसके दूध में केमिकल मिला करके रबड़ बनाया जाता है। पेड़ से निकलने वाले दूध को लैक्टस कहा जाता है। ये जो दूध निकल रहा है पेड़ से, इसे क्या कहा जाता है? लैक्टस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि भारतीय रबर मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ किस एक जिले को शामिल किया गया है, तो बस्तर जिले को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट ब्लॉक की ई नीलामी। अब देखिए, लिथियम का जो उपयोग है ये बैटरी बनाने में, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहे हैं उसके बैटरी बनाने के लिए, इसके अलावा मोबाइल की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी बनाने के लिए लिथियम का उपयोग होता है। हमारे भारत में लिथियम का सबसे बड़े भंडार की खोज की गई जम्मू कश्मीर पे, रियासी जिले के अंतर्गत जो है सबसे बड़े आपके लिथियम के भंडार की खोज हुई। हमारे छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक में भी लिथियम के प्रमाण मिले, उसकी पुष्टि हुई है, ठीक है। तो भारत सरकार ने पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण खनिजों की ई नीलामी की एक सूची जारी करी है। उस 20 ब्लॉक की सूची में हमारे छत्तीसगढ़ का एक ब्लॉक शामिल है, वो है आपका कटघोरा ब्लॉक। देखिए, भंडार, महेशपुर घुचापुर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महेशपुर घुचापुर जो कि कोरबा जिले के कटघोरा के अंतर्गत आता है, महेशपुर घुचापुर, ये यहां पर क्या है, लिथियम का भंडार है। इस आपके महेशपुर घुचापुर कटघोरा वाले क्षेत्र में 256.12 हेक्टेयर में लिथियम ब्लॉक होने की पुष्टि की गई है। नीलामी, 20 महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी की जाएगी, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। टोटल 7 राज्य, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के खनिजों के ब्लॉक इसमें शामिल है। जो 20 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज की बात की जा रही है उसमें 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के ब्लॉक शामिल है। लिथियम का उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। विशेष, वैश्विक कंपनी कोरियाई और जापानी खनन कंपनियों ने भारत में लिथियम भंडार के लिए बोली लगाने में रुचि व्यक्त की है। भारत के जो कंपनी है उनके साथ साथ विदेशी कंपनी भी इस लिथियम खनन के लिए जो है बोली लगाने के लिए तैयार हुए हैं। ई नीलामी की जाएगी। अगर हम देखिए कि कौन कौन से ब्लॉक इसमें शामिल है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको शायद छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ। देखिए बहुत सारे हैं, मैं उसमें से केवल आपको एक हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, वो है हमारा कटघोरा लिथियम और REE रेयर अर्थ एलिमेंट ब्लॉक। लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है छत्तीसगढ़। लिथियम का भंडार 2 ही जगह पर है, यानी कि अभी 2 की ई नीलामी की जा रही है। एक है हमारा कोरबा ब्लॉक का कटघोरा और दूसरा है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सलाल, हेमना, लिथियम टाइटेनियम और बॉक्साइट ब्लॉक, ये 2 जगह पे जो है आपका लिथियम का भंडार है।
ये पूरी की पूरी सूची मैंने टेलीग्राम में पहले भी शेयर की हुई है, एक बार जाकर के इसे अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव, प्रदेश के सबसे बड़े राउत नाचा महोत्सव का आयोजन होता है आपके बिलासपुर जिले में। बहुत बार का पूछा गया प्रश्न, प्रदेश के सबसे बड़े राउत नाचा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बिलासपुर जिले में। इस बार इसका 46वां संस्करण, 46 नंबर का इसका संस्करण आयोजित हुआ। वर्ष 1978 से राउत नाचा महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इसका जो आयोजन है लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर में इसका आयोजन होता है। इस 46वें राउत नाचा महोत्सव में प्रथम स्थान पर रहा आपका बसिया दल। राउत नाचा दल का नाम है बसिया, बसिया एक जगह है वो, तो उस जगह में उस दल का नाम है, यानी कि जगह के नाम पर दल का नाम है, तो बसिया दल। पिछले चार पाँच साल से जो है परसला दल जीतते आ रहा था, इस साल जो है बसिया दल जीता। प्रथम स्थान पर आने वाले बसिया दल को 15,001 रुपये की राशि प्रदान करी गई। द्वितीय स्थान पर दो थे, परसदा दल और डोगोरिया दल, इन दोनों को जो है 11,001 रुपये की राशि दी गई। और तीसरे नंबर पर है आपका तार बहरा दल, भरनी दल और लटुआ दल, इन्हें जो है 9,001 रुपये की राशि प्रदान की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2023 स्वर्ण पुरस्कार सम्मानित किया गया। एग्जाम में इन पुरस्कारों से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी पिछले कुछ एग्जाम में, ठीक है। इस प्रकार से जो आपके रैंडम जो पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं किसी विश्वविद्यालय को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी विभाग को प्रदान किए जाते हैं, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी योजना को अगर कोई पुरस्कार प्रदान किया गया तो उससे भी प्रश्न आता है। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार स्वर्ण ये प्रदान किया गया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर के द्वारा जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार की प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा अकादमिक अनुसंधान नागरिक केंद्रित सेवाओं पर उत्कृष्ट शोध के लिए इस सम्मान को प्रदान किया गया है। ये जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है क्रॉप डॉक्टर 2.0, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक मोबाइल ऐप है। अब देखिए क्रॉप डॉक्टर 2.0 क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित इस ऐप के माध्यम से 36 प्रकार के फसलों के रोग की पहचान, हानिकारक कीटों की पहचान करने, मौसम की जानकारी, कृषि यंत्रों को किराए पर देने, किसानों को ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी। AI का उपयोग करके इस ऐप के माध्यम से किसानों को खेती किसानी के लिए सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस प्रकार स्मार्ट कृषि को बढ़ावा मिल सकेगा। इस ऐप से प्रदेश के 8,00,000 किसान जुड़े हैं और इसका लाभ खेती किसानी में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्रॉप डॉक्टर 2.0, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया ऐप, जिसे पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण। ठीक, IPL, अभी IPL की नीलामी होने वाली है, ठीक है, ऑक्शन होता है। हमारे प्रदेश के दो खिलाड़ी, एक है आपके अजय मंडल और दूसरा है आपके हरप्रीत सिंह भाटिया, इन दोनों को जो इनकी पुरानी टीम है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग ने अजय मंडल को और किंग्स 11 पंजाब ने हरप्रीत सिंह भाटिया को रिटेन किया है, ठीक है। पिछले बार भी ये थे शामिल, लेकिन ये जो आपके दोनों खिलाड़ी है ये प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हो पाए थे, अभी भी ऑक्शन होना बाकी है, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी को इन टीम ने अपने पास रिटेन कर लिया है। तो चेन्नई सुपर किंग के टीम में शामिल रहेंगे अजय मंडल और किंग्स 11 पंजाब में शामिल रहेंगे हरप्रीत सिंह भाटिया, दोनों छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी है, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर। नेक्स्ट है गामावाड़ा या गामेवाड़ा, ये जो है मौजूद है दंतेवाड़ा जिले के बचेली में। क्या है ये? मृतक स्तंभ है, ठीक है, मृतक स्तंभ है। ये एक राज्य संरक्षित स्मारक है जो कि महापाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पे बड़े आकार के पत्थर में स्तंभ स्थानीय जनजातियों को पुरानी परंपरा को दर्शाते हैं। विशेष सदियों से स्थानीय निवासियों के द्वारा बनाए गए इन विशाल आकार के पत्थर के स्तंभ मूल रूप से सांस्कृतिक और रिश्तेदारों को समर्पित है। यहाँ पर जो है महापाषाण काल से लेकर के अभी तक जनजातियों के द्वारा जो मृतक स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं वो जगह है आपका गामावाड़ा, जो कि राज्य संरक्षित स्मारक है,
ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि गामावाड़ा किस जिले में स्थित है, दंतेवाड़ा जिले के बचेली में। गामावाड़ा क्या है, एक राज्य संरक्षित स्मारक है जहां पर मृतक स्मृति स्तंभ है, ठीक है। अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट देखिए, बस्तर का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार ये कहां पर है, ये है आपके डिलमिली बस्तर में। सुनने में तो अटपटा लगता है, देखिए जैसे कि हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी इमली मंडी ये भी आपके जगदलपुर में ही है बस्तर में, वैसे ही हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जो मुर्गा बाजार है ये मौजूद है आपके डिलमिली बस्तर में। इस मुर्गा बाजार में मेरे हिसाब से 2019 की बात है, 2019 या 20 में, इसमें जो है इस मुर्गा बाजार में दो मुर्गों की आपस में लड़ाई कराई जाती है, उस पर पैसे लगाए जाते हैं। 2019 का न्यूज़ आर्टिकल था जिसमें इस डिलमिली बाजार में 1 करोड़ रुपये तक का दाव लगाया गया था, ठीक है, मुर्गों की लड़ाई पर इतना बड़ा दाव। तो प्रदेश का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार है आपके डिलमिली। दूसरा है गल्लू जलप्रपात, गल्लू जलप्रपात मौजूद है आपके जशपुर में। आजकल ऐसे रैंडम जलप्रपात से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तीरथगढ़ जलप्रपात, आपका चित्रकूट जलप्रपात, ये क्वेश्चन अब ट्रेडिशनल पुराने हो गए, अब नए जलप्रपात से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। गल्लू जलप्रपात है आपके जशपुर में। क्रांति जलाशय यानी कि डैम, क्रांति जलाशय है कवर्धा जिले में। कुलाब जलप्रपात है आपके गरियाबंद जिले में। नीमगांव जलाशय ये मौजूद है जशपुर जिले में। अंजन हिल्स और बारतुंगा हिल्स यानी कि पहाड़ी, अंजन हिल और बारतुंगा हिल ये दोनों मौजूद है आपके चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। हसिया नदी का उद्गम स्थल कहाँ है पूछा जाए तो बैरागी क्षेत्र मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में मौजूद है। हसिया नदी जो कि हसदेव नदी की एक सहायक नदी है, दोनों के संगम पर ही मौजूद है प्रदेश का मैरीन फॉसिल पार्क, ठीक है। प्रदेश की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की प्रतिमा ये है आपके बस्तर जिले के टेमरा में। और माझिनगढ़ पर्यटन केंद्र कहाँ है पूछा जाए तो ये है आपके केशकाल घाटी में। तो ये है करंट अफेयर नवंबर 2023, यहाँ पर समाप्त होता है। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की बुक को जिसकी जिसे भी ज़रूरत है वो जल्द से जल्द ले लीजिए, मार्केट से बहुत ही जल्द आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। हमारे करंट अफेयर का मैगजीन भी दिसंबर महीने के एंड तक मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए।